तो भाइयों आज हमारे पास आया है रवि का टेबल पंखा। इसमें कस्टमर बोल रहा है कि इसमें लाइट चालू करते हैं ऐसे तो ये फैन फिर ही घूमता है घुमाने पर, लेकिन लाइट चालू करते हैं तो ये फैन घूमता नहीं है, जाम हो जाता है। तो हम इसको खोल कर देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हम इसको आपको खोल कर दिखाते हैं दोस्तों। तो हम पहले इसके आगे की जाली और ब्लेड को खोल देते हैं, फिर इसको पीछे से वायरिंग वगैरह को खोलेंगे। पहले इसकी जाली को हटा देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने इसके आगे वाली जाली को हटा दिया है, बस अब इसकी ब्लेड को खोलेंगे। इसकी ब्लेड को खोलने के लिए इसके बैक साइड में ये नट लगा हुआ है, इस नट को हम स्क्रू ड्राइवर से खोलेंगे दोस्तों। तो हम इसको खोल कर बाहर निकालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने इसके स्क्रू को लूज करके इस फैन की ब्लेड को बाहर निकाल दिए दोस्तों। अब ये जाली लगी हुई है इसके हेड पर, इसके भी नट खोल के इस जाली को भी हटा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने इसकी बैक वाली जाली के सारे नट खोल दिए और ये जाली अब हम साइड में रख देते हैं दोस्तों। अब इस मोटर के ये जो वायर बाहर निकले हुए, तीन वायर निकले हुए दोस्तों, इनमें से ब्लैक कलर वाला वायर जो मेन वायर है दोस्तों, ये ब्लैक वाला वायर मेन वायर है और दूसरा मेन वायर है इसमें येलो कलर का। ब्लैक वाला तो कॉमन हो गया और येलो हो गया स्टार्टिंग वाला, और रेड हो गया स्टार्टिंग कैपेसिटर के वायर है जो कैनेंसर पर लगे, येलो और रेड कलर का वायर, और ब्लैक हो गया कॉमन दोस्तों। तो हम इन वायरों को खोल कर हटा देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने इसके बैक वाले कवर को हटा दिया है, इसमें ऑन ऑफ का स्विच लगा हुआ है दोस्तों, इस कवर को हमने हटा दिया है। और बाकी के वायर है जो हम इस मेन लाइन पे जुड़े हुए हैं इनको भी हटाएंगे, और ये कैनेंसर के वायरों को भी खोलेंगे दोस्तों। फिर इस मोटर को खोल कर अंदर से देखेंगे कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो हम इन वायरों को हटा कर आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम इसकी वायरिंग को पहले चेक करते हैं मल्टीमीटर की सहायता से। मल्टीमीटर को हम लोग बजर मोड पर कर दिया है। अब हम इसके वायरों को चेक करेंगे कि इसकी वायरिंग सही है या नहीं है, मोटर की वायरिंग अंदर से ख़राब तो नहीं है, ख़राब होगी तो इसमें नंबर नहीं आएंगे और सही होगी तो नंबर आएंगे। तो हम आपको दिखाते हैं, आप मल्टीमीटर में देखना दोस्तों। तो दोस्तों ये इसका मेन वायर है ब्लैक वाला, हमने एक लेंथ नॉब को इस पर लगाया है ब्लैक वायर पे, और दूसरे को हम लगा देते हैं येलो पर। तो दोस्तों ये देखिए रीडिंग आ रही है 185, और थोड़ा मीटर पर हाथ रखना पड़ेगा। और दूसरे में आती है दोस्तों रेड वाले वायर में 185, तो पीले वायर में, और रेड वायर में आ रहा है 150। ये देखिए दोस्तों, यानी कि मोटर की वाइंडिंग एकदम सही है। अब इसको अंदर से खोल कर देखेंगे दोस्तों कि क्या प्रॉब्लम है। तो हम इसको अंदर से खोल कर आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो अब हम इन वायरों के सारे कनेक्शन को निकाल देंगे। कनेक्शन का रेड और येलो में वायर लगा हुआ है, इन वायरों को हम खोल देते हैं दोस्तों। येलो वायर जो कि मेन वायर मेन लाइन का वायर है, और ये स्विच के लिए एक तार का टुकड़ा जुड़ा हुआ है कनेक्शन पर, और दूसरा रेड में कैपेसिटर का वायर लगा हुआ है ये रेड में, तो इसको भी खोल देते हैं। तो दोस्तों हमने कैपेसिटर को हटा दिया है, इसमें 3.5 MFD का कैनेंसर लगा हुआ है दोस्तों, ये देखो 3.50 440 वोल्ट, तो कैनेंसर का हमने साइड में रख दिया है। अब इसकी मेन वायर की लीड है जिसमें एक वायर, ये मेन वायर है ब्लैक वाला, इसको भी हमने हटा दिया है। अब इसके तीनों के तीन वायर फ्री हो चुके हैं। अब इसका बैक कवर खोलेंगे मोटर का, फिर देखेंगे अंदर से बूस्ट और स्टार्टर को। दोस्तों सबसे पहले हम इसके रोटेट गियर बॉक्स को निकाल देते हैं जिसके नट लगे हुए हैं। पे 3 नट लगते हैं दोस्तों, अलग अलग मॉडल में अलग अलग आते हैं दोस्तों, किसी में 4 भी आते होंगे। तो हमने इसके तीनों नटों को निकाल दिया है, और ये रोटेट गियर बॉक्स बाहर निकल चुका है दोस्तों। ये देखो इस तरीके का इसका नक्शा है, इस तरीके की इसकी बॉडी है, ये भी एलुमिनियम का है दोस्तों। रोटेट गियर बॉक्स है जो इसके बैक साइड में लगा हुआ था, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब इस मेन मोटर की वायरिंग साफट, तो दोस्तों हमने इसकी साफट को देखा तो कम से कम 1 इंच अंदर बार हो रही है, देखो इतनी प्ले 1 इंच अंदर बार हो रही है दोस्तों। मेरे को लगता है कि इसको किसी ने खोला होगा और इसके अंदर जो आगे पीछे वाशर लगते हैं वो वाशर डालना भूल गया और ऐसे ही लगा दिया है, तो ये जब चालू करते हैं तो चिपक रहा है अंदर फील्डों में। तो हम इस मोटर के ये नट खोल कर देखते हैं दोस्तों। बुश भी कटे हुए हैं, बुश भी इसमें पल्ले हो रही है।
तो अब हम इसके ये दो नट लगे हुए इन नटों को खोल देते हैं। वैसे तो ये नट पकड़ की सहायता से खुल जाते हैं। ये देखो दोस्तों, ये नट इस तरह से लगते हैं, इसमें रॉड पे आगे पीछे नट लगते हैं दोस्तों, इसको हम रॉड पे अटका देते हैं। अब इसके बैक कवर को स्क्रू ड्राइवर से खोलते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, इसके ये बैक कवर में बुश लगा हुआ है, जिसपे ये तीन नट लगाकर ये पत्ती कसी हुई है। तो हम बुशों को भी देखेंगे, कटे हुए हो गए तो बुश नहीं डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये रॉटर अंदर से रबड़ खा रहा है, ये रबड़ खा रहा है अंदर से, इसी वजह से ये जाम हो जाता है चलते चलते। क्योंकि मोटर चालू होती है जब मोटर में मैग्नेट बनता है, और मैग्नेट इसको जिधर चाल बनी हुई होती है उधर से खींच कर चिपक जाता है ये रॉटर, और पंखा जाम हो जाता है। ये देखो दोस्तों, चारों तरफ से रबड़ खाया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये सापट भी कट गई है। ये देखो दोस्तों, यहाँ से ये कट गई है दोस्तों, बैक साइड से भी थोड़ी हल्की बहुत घिस गई है ये। ये देखिए दोस्तों, तो हम देखेंगे सापट को भी चेंज करेंगे तो कर देंगे, और बुश को भी चेंज कर देंगे, जिससे ये पंखा फ्री हो जाएगा और जाम नहीं होगा। अब आगे के कैप को खोल कर देखिए दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, कस्टमर ने इसमें कलाकारी करके लिखा है, इसमें देखो ग्रीस नहीं लगता है, लेकिन इसने अंदर ग्रीस लगा के इसको और भी ख़राब कर दिया है। अपने घर पर इन्होंने कलाकारी करके देख लिया है, जिससे ये पंखा सही नहीं हुआ, फिर हमारे पास लेकर आया दोस्तों। ये देखो अब इसमें ग्रीस कहाँ लगता है, ये देखो ग्रीस लगा हुआ। कस्टमर भी आजकल बहुत होशियार हो गए। चलो कोई बात नहीं, अपने तो ये ठीक करना है। अब हम कपड़े से इसके मोटर के अंदर जो भी कचरा लगा उसको साफ करके इसको साइड में रख देते हैं, फिर बुशों को और सापट को चेंज करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये अंदर से एकदम क्लियर हो चुकी है मोटर, अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब इसके ये तीन नट खोल कर इस बुश को निकालेंगे। तो पहले हम इसको दोनों कवरों को साफ कर देते हैं, इसका ग्रीस वीरिस हटाकर एकदम क्लियर करते हैं, फिर बुशों को निकालते हैं दोस्तों। कस्टमर भी बहुत एडवांस हो गए हैं, ऑयल की जगह पंखों में ग्रीस डाल रहे हैं। उनको पता ही नहीं है गुस्सों में ग्रीस नहीं डलता है, बैरिंगों में ग्रीस डलता है, लेकिन वो लोग गुस्स वाले पंखों में भी ग्रीस फेंक रहे हैं। तो हम इसको अच्छी तरीके से साफ कर देते हैं। दोस्तों ये तो एकदम साफ हो चुका है, अब इसको साफ कर देते दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, दोनों साफ हो गए हैं। अब इनके नटों को निकाल, स्क्रू ड्राइवर से नटों को खोलकर बुश को निकाल कर देखते कितने नंबर के बुश है, उसके हिसाब से हम लोग नए बुश लगाएंगे इसमें। तो दोस्तों ये आगे वाला कवर है फैन के, ये देखिए दोस्तों, ये आगे वाला कवर है, इसका बुश निकाल रहे हैं। ये रवि कंपनी ने बहुत अच्छा सिस्टम दिया इसमें, स्क्रू वाला नट वाला सिस्टम बहुत अच्छा दिया हुआ है, ताकि बुश चेंज करने में बहुत ही आसानी रहती है, इसमें आराम से कोई भी बुश इसको चेंज कर सकता है। बुशों को ये हट गया है, अब इस बुश के साइड में है ये नब्दा किट, जो इसमें ऑयल डालकर रखता है, जिससे इसका ये बुश मूवमेंट आसानी से करता है। तो दोस्तों देखिए, ये इस तरीके का इसका बुश है, इसको मैं साफ करके देखा था आपको। तो ये देखिए दोस्तों,
इसको, उसके नंबर है 887, 887 है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा 887 है दोस्तों, या फिर 882 भी, 2 की तरह भी लग रहा है, 7 है या 2 है, जो भी है हम नए बुसों को निकाल कर सापुट पर डाल कर देख लेंगे, या तो 882 है या 887 है। चलो इसको साइड में रखते हैं, इसका बुस निकल गया है। अब दूसरे वाले कवर को भी, दूसरे वाले कवर से भी बुस को निकालते हैं। देखिए दोस्तों हमने इसके नट को भी, नटों को भी निकाल दिया है, और इसका नब्दा, नब्दा किट भी बाहर निकल गया है। और ये देखिए दोस्तों, इसमें भी बुश वैसे ही लगा हुआ जो बैक साइड में लगा हुआ है। इस बुश पे नंबर है दोस्तों 883, ये देखिए दोस्तों 883, ये पहले चेंज किया हुआ है शायद, 883 देखो दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा 883। तो हम इसको चेंज करते हैं, इसके साइज के दो बुश निकालते हैं दोस्तों। तो हमारे पास ये बुश पड़े हैं स्टबे में भरे हुए हैं, तो हम निकाल कर देखते हैं। ये निकले हुए बुश तो इस कवर पे रख दिए हमने, अब नए बुश देखते हैं दोस्तों इसमें कौन से बुश आएंगे, वो वाले देख लेते हैं दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों 883, ये देखो दोस्तों आपको दिख रहा होगा 883, एक तो बुश मिल गया है। और ये हो गया दोस्तों 882, ये बैक साइड में लगा हुआ था 882, तो ये दोनों बुश हम लोग नए डाल देते हैं। ये 883 एक और है, देख लेते हैं जो भी इस सापुट पर आसानी से फिट आता है और लूज नहीं रहता है, चाल वगैरह नहीं रहती है। ये 883 एक और, ये देखिए दोस्तों बुश पड़े हैं हमारे पास, काफ़ी पड़े हैं। ये छोटे पंखों में लगते हैं, छोटे और नए मॉडल में भी ये लगते हैं बुश, ये भी है हमारे पास, ये कूलर वाले बुश भी है। तो दोस्तों हम इन बुशों को पहले लगा के देख लेते हैं सापट में, जिससे पले ना हो वो बुश डाल के देखते हैं दोस्तों, सापट को अच्छे से साफ कर लेते हैं। और अभी हम देखते हैं इसमें बुश डाल के, ये देखिए दोस्तों आ रहा है इसमें आराम से, दूसरा लगा के देखते हैं। हाँ दोस्तों इसमें एकदम चाल नहीं है, बिल्कुल सेट टू सेट लग रहा है। ये है 883, और ये 882 वाला थोड़ा लूज रह रहा है दोस्तों, ये थोड़ा लूज लग रहा है, ये देखो थोड़ी ले हो रही है, लेकिन 883 एकदम टाइट एंड टाइट है, एकदम सेट टू सेट लग रहा है दोस्तों। तो हम 883 पीछे वाली साइड में भी डाल देंगे। अब चलो ये तो हो गया पीछे में, अब देख लेते आगे वाले में। तो ये नंबर हो गया 883, इसको आगे डालते हैं दोस्तों, आगे ये नहीं आ पा रहा। तो 882 देख लेते दोस्तों, ये टाइट हो रहा है। दूसरा देखते हैं 883, ये आ जाएगा दोस्तों थोड़ा दबा के। हाँ दोस्तों ये देखो बिल्कुल फिटो फिट एकदम, एक बोन भी प्लेन नहीं है। तो आगे और पीछे हमारे दोनों बुश 883, ये देखिए 883 वाले बुश एकदम सेटो सेट लग रहे हैं दोस्तों। अब हम इन बुसों को इन कटोरों में कस देंगे, जिस तरह से पहले वाले बुसों को खोला था उसी तरह से हम इनको कस देंगे दोस्तों। तो देखते रहिए, हम इनको कस के देखते हैं दोस्तों। हम इस सापड़ को थोड़ा सा रेगमाल से साफ कर लेते हैं, ताकि इसमें उबड़ खाबड़ जगह है तो सीधी हो जाएगी। तो रेगमाल से हम इसको क्लियर करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा बीच में कस्टमर आ गए थे, तो मुझे कैमरे को रोकना पड़ा। अब मैं आपको इसमें उसको लगा कर बताता हूँ। तो इसका पहले नब्दा किट, बस के ऊपर नब्दा किट सेट करते हैं। ये नब्दा किट हो गया सेट, ये देखो दोस्तों नब्दा किट लग गया है। इसमें थोड़ा साइड में हम ऑयल डाल देंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे दोस्तों। ऑयल नया लेना चाहिए दोस्तों, खराब ऑयल नहीं डालना। नब्दा गीला हो जाएगा, ऑयल हो गया। अब इसके ऊपर पत्ती लगा देते हैं दोस्तों, ये
इसकी पत्ती ये नहीं हो रही है अभी, इसकी ये पत्ती हम चेक कर लेते हैं। तो देखो दोस्त, हमने बुश डाल दिया अंदर, अभी इस पत्ती के तीनों नट को कस देते हैं, एकदम टाइट कसना है ताकि बुश अंदर मजबूती से जाम हो जाए। टाइट हो गया दोस्तों, ज़्यादा दम लगा के टाइट करने का काम नहीं है, बस टाइट होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये बुश हमारा हो गया, फिट हो गया एकदम, सही फिट हो गया दोस्तों। हल्का हल्का कस देते हैं, ये हो गया दोस्तों, ये कुछ हो गया हमारा फिट। देखिए दोस्तों, थोड़ा बहुत मूवमेंट करना चाहिए ताकि हम सांपर अंदर डालेंगे तो वो अपने बैलेंस में आने के लिए थोड़ा मूवमेंट हो जाएगा तो सेट हो जाएगी। अब दूसरे वाले में भी हम लोग ये सापट पे हमने डाला था नए बुश को, इसको डाल देते दोस्तों। ये आगे वाला मुंह है, अब इसके नब्दा को सेट कर देते दोस्तों। ये हो गया नब्दा, इसमें भी थोड़ा सा ऑयल डाल देते दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये ऑयल हो गया, नया ऑयल देने पर क्या आएगा, वो इसके नब्दे में आराम से सोख लेता है, नब्दा किट गीला हो जाता है, जिससे ये बुश मूवमेंट आसानी से करता है। एक नट अटका दिया हमने, अब दोनों नट दोनों नट कस रहे हैं, दूसरा हो गया, और तीसरा नट भी कस देंगे। ये नट हो गए हमारे टाइट, ठीक है ना दोस्तों। बस बहुत ही आसान है बुशों को चेंज करना, कोई कोई पंखे आते हैं जिनमें बुश लगाने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इसमें बुश लगाने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। और हम इसको सापट के अंदर डाल के देख लेते, रेडी है दोस्तों, पले नहीं है दोस्तों, एकदम सही है, नॉर्मल है, जो नॉर्मल तो होनी चाहिए, नहीं तो पंखा घूमेगा कैसे, पूरा जाम नहीं होना चाहिए। ये देखो दोस्तों, पले नहीं है दोस्तों, ये बुश मूवमेंट कर रहा है, ये बुश है ना, बुश मूवमेंट कर रहा है नब्दा में से, ये पले नहीं है। तो दोस्तों, अब हम इसको पंखे में फिट कर देते हैं। तो दोस्तों, हमने इसके सापट और बुश को दोनों तरह से फिट कर दिया है अंदर से, और इसमें जो खड़ी पले थी उसके लिए हमने ये फाइबर वाइसर पड़े, ये वाइसरों को डाल के इसकी ये वाली पले को सही कर दिया है दोस्तों। अब हम इनके सारे नटों को कस देंगे, फिर इसको चालू करके देखते हैं दोस्तों। तो मैं इसको पहले नटों को कस के आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, हमने इसके सापर बुश को फिट कर दिया है, साफ दिख रहा है ना। ये देखो दोस्तों, अब हल्की सी पले रखी हमने ताकि मोटर स्टार्टिंग के समय थोड़ी सी पले मांगती है, बाकी तो हमने इसमें वाशर लगाकर इसको एकदम अच्छे तरीके से कस दिया है, और ये मोटर भी एकदम फ्री घूम रही है दोस्तों। तो अब हम इसके वायर को जोड़कर एक बार इसको चला कर देखते हैं दोस्तों। तो पहले हम इसके गियर को बाद में कसेंगे, चलो पहले वायरिंग को जोड़ते हैं दोस्तों। वायरिंग के लिए हमने येलो और रेड कलर का वायर, येलो और रेड कलर के वायर में दोस्तों कनेक्टर को जोड़ना है दोस्तों। अब दोस्तों, इसकी मेन लाइन केबल है, इसको हम लोग जोड़ देते हैं दोस्तों एक ब्लैक में, एक वायर ब्लैक में लगाते हैं दोस्तों,
और एक वाइट बोर्ड थे दोस्तों हम येलो कलर में जो कंडेंसर से कनेक्ट हुआ है, तो ये रोक दिया हमने इसमें। अब दोस्तों हम इसको चालू करके देखते हैं दोस्तों, वायर दूर है ना, दूर को हम इसको एक बार चालू करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा पंखा एकदम सही चालू हो गया है, देखो दोस्तों। तो दोस्तों हमारा पंखा एकदम सही वर्क कर रहा है, हम आपको पंखुड़ी और जाली लगा के हवा खा के दिखाएंगे जब आपको पता चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हमने इसको कस कसा के फिट कर दिया है, अब इसको ऑन करके देखते हैं चलता है या नहीं चलता है, पहले तो नहीं चल रहा था। तो फाइनली हमने इस फैन को फिट कर दिया है, अब इसको हम पावर देकर चला कर देखते हैं दोस्तों चलता है कि नहीं चलता है। पहले तो नहीं चल रहा था, जाम हो जाता था, देखो चालू हो चुका है दोस्तों। देखिए आपके सामने कितना शानदार हवा दे रहा है, बहुत ही फास्ट चल रहा है दोस्तों, नए की तरह हो गया है। तो दोस्तों इसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, इसके बुश खराब थे इसकी वजह से ये जाम हो रहा था दोस्तों। तो दोस्तों हमारे ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। हम आपके लिए ऐसे रोज़ रोज़ नए नए वीडियो अपलोड करेंगे।